कोठीबीना बाजार मैदान में चल रहे आगरा महोत्सव में मुक्ताकाशी मंच पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भजन सम्राट पंडित मनीष शर्मा ने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समधुर भजन प्रस्तुत किए। लोगों ने खरीदारी के साथ भक्ति का आनंद भी लिया। कोठीमीना बाजार मैदान में चल रहे आगरा महोत्सव में मुक्ताशीय मंच पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भजन सम्राट पंडित मनीष शर्मा ने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समधुर भजन प्रस्तुत किए। राधा प्यारी दर्श के आन बड़ा दे मान मेरी श्री राधा प्यारी दर्श के आन बड़ा दे मान मेरी श्री राधा प्यारी दर्श के आन बड़ा दे मान मेरी श्री आगरा महोत्सव में मंच पर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में भजन प्रस्तुत कर रहे पंडित मनीष शर्मा ने कहा कि भजन संध्या में भक्त जनों ने बड़े भक्ति भाव से भजनों को सुना है। बहुत आनंद का विषय रहा, बहुत आनंद का विषय रहा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि मेले के माहौल में और कोई भजन सुने। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये रही कि रावी इवेंट के द्वारा जो आगरा महोत्सव मिडनाइट बाजार का आयोजन हुआ, इसमें आज के दिन जो भजन संध्या रही, हर भजन पर हर कोई झूमा और खूब बैठ करके आनंद लिया सभी ने। आगरा महोत्सव में उमड़ी भीड़ को देखते हुए रावी इवेंट्स के निदेशक खासा खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि महोत्सव में लोगों के लिए गृहस्थी का सामान, सजावट का सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाजार से काफी कम दामों पर उपलब्ध रहे। आगरा महोत्सव का आज 10वां दिन है और कल 11वां दिन होगा और ये कल इसका अंतिम महोत्सव का अंतिम दिन होगा इस वर्ष के। मुझे लगता है कि इस महोत्सव में जिस तरीके से वादी आयोजन समिति द्वारा किए गए थे वे सभी पूर्ण हुए और कल भी समापन समारोह के साथ हम अपनी पूरी औपचारिक समापन की घोषणा भी करेंगे। और काफ़ी कुछ यहाँ पर 10 दिन के दौरान हुआ और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। शहर की तमाम सांस्कृतिक संस्थाओं ने अपने प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए, आए दूर दराज से व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिला है। आगरा महोत्सव में सहारनपुर से पान के शौकीनों के लिए पान का स्टॉल लगाने आए आरिफ खान ने कहा कि रावी वेंस के आगरा महोत्सव में शहर के लोगों ने उनके पान का जमकर लुत्फ लिया है। सर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। मिडनाइट बाजार तो आगरा का फेमस बाजार है सर, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। आगरा की पब्लिक भी बहुत बढ़िया है और जोर शोर से आ रही है और उत्साह बढ़ा रही है हमारा भी, और हम भी खुश हैं सर। पब्लिक आ रही है, पानों की कई तरह की वैरायटी है सर। स्पेशल मीठा पान है, फायर पान है हमारा स्पेशल जो है, चॉकलेट पान है, स्ट्रॉबेरी पान है और भी ऑल वैरायटी है सर। ऑल फ्लेवर हमारे पास पान मिल जाते हैं सर। नया पान तो अलग अलग आइटमें देखने में मिली है, अच्छी आइटमें है। खास करके वो ऑटोमेटिक दिए जो पानी चलते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, नई आइटम देखने को मिली है और रेडीमेड भी काफ़ी सस्ता और अच्छा है। हम लोग पिछले 5 साल से एक गांव से कपड़ा परचेज कर रेडीमेड का कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसकी सिलाई 350 रुपये, लेकिन 250 कमीज, 250 शर्ट, इतना सस्ता कहीं मिल रहा बना के नहीं सकता। रावी इवेंट्स के आगरा महोत्सव में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई झूले लगाए गए हैं। इन झूलों पर झूलकर बच्चे खासा खुश नजर आए। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।